अभ्यास करेंगे, उन्हें अनुभव देखने का अभ्यास करेंगे, तभी हम प्राप्त कर सकते हैं। बोले आपकी चरण धरणी की संत चौड़े आचार्य विद्यासागर महाराज की। अब आज प्रोग्राम है, कितने देर से है? दस का मैं थोड़ी कम कर है ना, है ना? उसके बाद शांत शंक अरे अंत अनंत ज्ञाता किशोर विभूत अभिरोत अवस्थिता आचार्य प्रति प्रवचन सही है, वस्तुओं के प्रति कौन सा भाव नुकसान पहुंचाता है? बताओ पीछे नहीं दीदी के इससे है, आप शायद आए नहीं होंगे उस टाइम में, कोई बात नहीं। बताओ भैया हैं? चलो ठीक है, आपका अपनेपन का भाव या मूर्छ का भाव है ना, बहुत अच्छा। देखना चिंता डाउन कीजिए, तो एक दूसरे को देखो सेम ऐसे में। हमारी ऐसी नहीं, तीन स्ट्रक्चर नहीं है, ज्यादा स्टेट अपने को समझो, सामने वाले को पता होगा मुझे क्या पता, हमारा आती फोटो ठीक है भैया। आ जाओ भाई, आ जाओ, आदमी क्यों आ जाते हैं? वेट करना है, वीडियो बना लोगे? देखना इधर है, ठीक है, ठीक है जी। वेट एक मिनट, अपने ठीक है जी, बड़ी नहीं करवा दी भाई ने। हां मैं से करा तेरा जेंट्स ब्लैक भी पूरे और वो क्या बड़ी देख रहा जरा बाबूजी, आपका वो चाहिए क्या? हां 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 यहां सामने था महाराज की जय हो। इधर देखो सामने, आंखें देख लेना, आंखें मेरी बंद हो गई, चश्मा लगा के इधर देखो, उधर देखो, सामने बेटा आते जो नीचे वाली आएगी नहीं, एक को लेना भैया। ओके
भैया देखो भैया देखो सही पोज बना दो राजकोष महाराज महाराज आपके रोज राजकोष में तो अपार संपदा है इतनी संपदा है कि आपकी सात पीढ़ियां बैठी खा ले नहीं नहीं मंत्री जी मुझे तो अपने राजकोष में इतना धन चाहिए इतना इनका हमारे राज्य में बहुत ही बड़ा आमदनी का व्यापार है अच्छा आओ आओ मक्खनलाल जी कैसे हो सब कुशल मंगल तो है सब ठीक है महाराज सब ऊपर वाले की कृपा है सुना है आपकी तो पांचों उंगलियां घी में है सब भगवान की कृपा है महाराज लेकिन मक्खनलाल जी आप अपने व्यापार का इतना मुनाफा राज्य को नहीं दे रहे हैं मेरा कोई नकली घी का काम नहीं है मैं शुद्ध घी बेचता हूँ नहीं नहीं मक्खनलाल जी हमने पता लगवाया है आप नकली घी बना बना कर इतना मुनाफा कमा रहे हैं नहीं महाराज ये बिल्कुल गलत है नहीं नहीं मक्खनलाल जी आपको अपना घी राजकोष में जमा करवाना होगा नहीं महाराज ये तो जुल्म है महाराज ये तो बिल्कुल जुल्म है मंत्री जी ये अन्याय है इनको राजदरबार से बाहर निकाल दिया जाए एक आदमी पेट काटकर अपना घर चलाता है खून पसीना बहा बहा कर मेहनत की रोटी खाता है खुद भूखा सो जाए पर बच्चों के पेट चलाता है उन बच्चों का छीन वाला हे राजन तू कैसे जी पाता है मंत्री जी हमारी आज्ञा का पालन हो इनका सारा घी का व्यापार जब्त कर लिया जाए और इनको देश निकाला दे दिया जाए ये शुभ है ये शुभ है ये शुभ है पर नकली घी बेचने का जुर्म लगाकर उन्हें देश से निकाला कर दिया जाता है और उनका सारा माल जब्त कर लिया जाता है अब मंत्री जी दूसरे व्यापारी को राज दरबार में पेश कर महाराज ये हमारे राज्य के सुनार रत्ना करती हैं इनका राज्य में स्वर्ण आभूषणों का हीरे बनने का बहुत ही बड़ा व्यापार है महाराज अच्छा आओ आओ रत्ना करती कैसे हो सुना है आपका स्वर्ण और रत्नों का
आशीर्वाद है महाराज, अपनी कड़ी मेहनत से अपने परिवार का पेट पालूं। अपनी कड़ी मेहनत से क्या आपके व्यापार की संबंधता में राज्य का कोई सहयोग नहीं है? रत्नाकर जी, आप स्वर्ण में खोट मिला मिला कर खूब मुनाफा कमा रहे हैं। रत्नों की जगह नकली पत्थर बेच बेच कर मुनाफा कमा रहे हैं और कह रहे हैं अपनी मेहनत से मुनाफा कमा रहे हैं। रत्नाकर जी, आपका सारा स्वर्ण और रत्नों के आभूषणों को राजकोष में जमा करवाना होगा। नहीं नहीं रत्नाकर जी, मंत्री जी हमारी आज्ञा का पालन हो, इनके सारे स्वर्ण और रत्नों के आभूषण राजकोष में जमा करवा दो। महाराज ये पंडितन है, इसकी राज्य में खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी करके इसका भी खूब मुनाफा होता है। आओ आओ पटेल, कैसी हो, कैसी चल रही है तुम्हारी खेती बाड़ी? प्रभु की कृपा से थोड़ी ठीक ठाक है महाराज, लेकिन पटेल तुम अपनी खेती का जो कर राज्य को दे रही हो वह पर्याप्त नहीं है। अब की बार तुम्हें उस कर से 4 गुना कर अधिक राज्य में जमा करवाना होगा। मेरे तो पति का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है और मैं अकेले ही खेती बाड़ी करती हूँ और इस वर्ष तो बारिश भी बिल्कुल अच्छी नहीं हुई है, जिसकी वजह से मेरी खेती बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो पाई है महाराज। इतना कर मत लगाइए, मैं इतना कर अदा नहीं कर पाऊंगी महाराज। नहीं नहीं पटेल, तुम्हें कर तो अदा करना ही होगा, नहीं तो तुम्हारी खेती जब्त कर ली जाएगी।
जाओ ये खाद्य सामग्री और खाने की वस्तु में गरीबों में बांटाओ। एक भी आदमी भूखा न रहे, ध्यान रहे। जो क्या स्वामी? अरे ओ रत्ना, मैं तो भूल ही गया, महाराज ने मुझे याद किया था, मुझे तो राजदरबार में बुलाया है, मैं हो भी आता हूँ। ये आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है तो बुलाइए ना केतकी को। आइए केतकी। महाराज की जय हो, महाराज की जय। आओ आओ केतकी, सब कुशल मंगल। सुना है आप तो बहुत ही धर्मप्राण व्यक्ति हैं और बहुत दान पुण्य भी करते हैं और आपका तो विदेशों में भी कारोबार चल रहा है। जिन प्रभु की कृपा है महाराज, जिन प्रभु की। सेठ जी, आप हम पर भी कृपा कीजिए, हमारे भी चार प्रश्न हैं, जरा उनको भी उत्तर दे दीजिए। कैसे प्रश्न महाराज? सुनिए, हमारे चार प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, यहाँ है पर वहाँ नहीं है। ध्यान से सुनिएगा सेठ जी, मेरा पहला प्रश्न यहाँ है पर वहाँ नहीं है। और दूसरा प्रश्न क्या है? ध्यान से सुनिए, यहाँ भी नहीं और वहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है और वहाँ भी नहीं है। समझ आया सेठ जी? कुछ नहीं समझ आया। तीसरा प्रश्न है, यहाँ तो नहीं है पर वहाँ पर बहुत है, यहाँ तो नहीं है पर वहाँ पर बहुत है। और चौथा प्रश्न क्या है? यहाँ भी है और वहाँ भी है। समझ आया? ये कैसे जटिल प्रश्न पूछ रहे हैं महाराज आपने? इसका उत्तर तो ढूंढना असंभव बात है महाराज। मुझे नहीं पता सेठ जी, मुझे तो अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए। अगर दे सके तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दे सके तो सोच लो सेठ जी, आपका सारा जो विदेशों का कारोबार है ना, सब राजकोष में मिला लिया जाएगा। मुझे तो बहुत ही चिंता का विषय है, कहाँ से ढूंढ के लाऊं इन प्रश्नों का उत्तर? मेरे मन का तो नहीं, सारे गोल गोल घूमने वाले प्रश्न पूछता रहे, यहाँ वहाँ, यहाँ है वहाँ नहीं, यहाँ है वहाँ भी है, यहाँ नहीं पर वहाँ है, वहाँ नहीं पर यहाँ है। कहाँ से लाऊं इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ ढूंढ के? मैं ये तो मेरे बस का नहीं है, पर उस राजी राजा का क्या? सात पीढ़ी ने 700 पीढ़ी तक कथा ने कथित करना है उसे, 700 पीढ़ी की चिंता लगी है मेरे व्यापार की नहीं, कहाँ से ढूंढ के लाऊं? हे भगवान, अब मैं जो भी होगा तेरे ऊपर छोड़ूंगा, मेरे प्रश्नों का उत्तर देने वाला और तू ही है हे प्रभु। अच्छा करो अरे भाया, हमारा प्रश्न का उत्तर जाएंगे, यहाँ है वहाँ नहीं है, जरा मन बता दे, हमारी मदद कर दे भगवान, सारे भले कर दे, बता दे मैं प्रश्न का उत्तर जाएंगे कौन? अरे भाई तू तो बता दे, तू तो ज्ञानवान।